नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू इंस्टॉल बीएनसी कनेक्टर विद सीसीटीवी वायर। बीएनसी कनेक्टर इंस्टॉलेशन के बारे में फ्रेंड्स हम बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बीएनसी कनेक्टर को जो है कटर की हेल्प से छीन लिया है। यहाँ पर आपके सामने दो वायर्स आ रही हैं, एक रेड और एक ब्लैक। फ्रेंड्स, सीसीटीवी वायर के साथ इसे जोड़ने के लिए हमें इन्हें भी छीलना पड़ेगा। आपको फ्रेंड्स एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, किसी भी सीसीटीवी कैमरे के साथ आपके दो बीएनसी कनेक्टर लगेंगे। एक बीएनसी कनेक्टर लगेगा कैमरे की साइड में और जो दूसरा बीएनसी कनेक्टर है वो लगेगा आपका डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी कि डीवीआर की साइड में, जो है दूसरा आपका बीएनसी कनेक्टर लगेगा। तो फ्रेंड्स, सीसीटीवी वायर के साथ इसे जॉइंट करने के लिए, जोड़ने के लिए इसे स्ट्रिप करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं एक सीसीटीवी वायर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक 3+1 यानी कि 4-कोर सीसीटीवी वायर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसे कटर की हेल्प से इसे छीन लेते हैं। ओके, जैसे ही हम इसे छीलते हैं तो 4-कोर आपके सामने आ जाएंगे। तो 4-कोर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रीन वायर है उसका इस्तेमाल फ्रेंड्स किया जाता है ऑडियो सिग्नल के लिए, ब्लैक वायर का माइनस के लिए, रेड वायर का प्लस के, यानी कि ये दोनों रेड एंड ब्लैक जो वायर हैं ये पावर सिग्नल्स के ट्रांसफ़र के काम आती हैं और ग्रीन वायर जो है फ्रेंड्स ऑडियो सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के काम आती है। अब जो बची 4th हमारी वायर है उसका इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स डाटा सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बीएनसी कनेक्टर जो है वो इस 4th कोर के साथ ही, यानी कि 4th जो वायर है इसके साथ ही जो है आपका अटैच होगा। इसके साथ ही बीएनसी कनेक्टर को आपने कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, हम कटर की हेल्प से इसे छीन लेते हैं। छील लेने के बाद फ्रेंड्स आप देखोगे यहाँ पर कि एक एल्यूमिनियम लेयर आती है। ओके, तो इस एल्यूमिनियम लेयर को आप जो है एक वायर की शेप दे दीजिए, ठीक है। और इसके बाद में फ्रेंड्स आपको आगे भी जो दूसरी वायर है इसे छीलना है। कटर की हेल्प से आप इसे भी छीन लीजिए। जो ये एल्यूमिनियम लेयर है वो फ्रेंड्स बीएनसी कनेक्टर के ब्लैक वायर के साथ जोड़ी जाती है और जो कॉपर वायर जो है अब जो हमने जस्ट अभी छीली है तो उसका जो जॉइंट होता है वो बीएनसी कनेक्टर के रेड वायर के साथ इसका कनेक्ट किया जाता है। दोनों ही वायर्स को जो है हम जो है कनेक्ट करेंगे बीएनसी कनेक्टर के साथ। तो फ्रेंड्स बीएनसी कनेक्टर की एक तो फुल फॉर्म होती है बॉयनेट नील कौंसलमैन। ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए यानी कि वीडियो सिग्नल्स जो हैं हमारे उन्हें ट्रांसफ़र करने के काम आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो हैं बीएनसी कनेक्टर को अपने सीसीटीवी वायर के साथ जॉइंट कर रहे हैं। अब चाहो तो आप इस बीएनसी कनेक्टर को डीवीआर की साइड यूज़ कर लीजिए, चाहो आप इसे सीसीटीवी कैमरे की साइड यूज़ कर लीजिए। सेम टू सेम दूसरी सीसीटीवी वायर का जो एक पॉइंट तो सीसीटीवी वायर का ये हो गया फ्रेंड्स, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो सिरा है सीसीटीवी वायर का, उस तरफ भी जो बीएनसी कनेक्टर लगेगा उसकी थ्योरी भी यही होगी कनेक्शन की जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है, आप इसे इजीली कर लेंगे। अगर आपको इस कैमरे से रिलेटेड या सीसीटीवी से रिलेटेड कोई भी परेशानी या कोई भी क्वेश्चन आपके पास है या फिर आपके काफ़ी कोशिश ट्राई कर रहे हैं उसके बाद भी आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स ये सब करने के बाद आपने जो है अपनी जो सीसीटीवी वायर है इसे टेप कर देना है। टेप करने का बेनिफिट बहुत है फ्रेंड्स, बारिश वारिश में और काफ़ी सारी जो आंधी बरसात आती है तो उस वक्त जो है आपका कैमरा जो है वो डैमेज नहीं होगा, आपका सिस्टम ख़राब नहीं होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।